अगर एक रात में बनाना चाहते हैं अपनी स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग स्पॉटलेस फेयर एंड ब्राइट तो आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान स्किन वाइटनिंग मास्क जो बना देगा आपको आपकी स्किन को मैजिकली इतना वाइट इन वन नाइट कि आप खुद भी सुबह देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये होम मेड आसान सा मास्क कैसे लगा। तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट ग्लोइंग स्पॉटलेस फेयर एंड ब्राइट स्किन पाने के लिए आपको चाहिए एक टमाटर, एक आलू, पोटैटो और थोड़ा सा कच्चा दूध। तो शुरू करते हैं आज का फेस मास्क। सबसे पहले आप आलू को ऐसे कद्दूकस करके ऐसे ब्रीक ब्रीक कर लेंगे। इसी तरह टमाटो को भी आप कद्दूकस कर लेंगे और ये रहा आपका दूध। अब इस आलू का और इसका हम निकाल लेंगे जूस, रस निकाल लेंगे। वही रस हमें हमारे फेस मास्क में चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने उसका पोटैटो का आलू का रस निकाल लिया है और ये मैंने टमाटर का रस निकाल लिया है। तो अगर आप इस रस कद्दूकस किए हुए टमाटर से रस निकालने का तरीका देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको बताऊंगी। आप दो तरीके से ये रस निकाल सकते हैं। पहला तो ये जो चाय की छननी होती है, स्ट्रेनर होता है आपका, जो चाय के लिए आप यूज करते हैं, उसमें आप कद्दूकस किया हुआ अपना टमाटो डालें और उसे हल्के से दबाते हुए उसका रस निकाल लेते हैं। लेकिन जो मैं अपना यूज करती हूँ तरीका, वो है मैं एक साफ कपड़े में वो डाल के उसका कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल के उसको दबा के गोल गोल घुमाते हुए रस निकाल लेती हूँ, वो मुझे ज्यादा आसान लगता है। इसी तरह से मैंने आलू का भी रस निकाल लिया। तो ये हमारे दोनों रस निकाल लिए। तो अब हम बनाते हैं फेयर स्पॉटलेस स्किन के लिए फेस मास्क। ये हो गया हमारे पास तीन इंग्रेडिएंट्स, आलू का रस, कच्चा दूध और टमाटो का रस। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, इसमें हम एक चम्मच ये जो हमने बनाया है आलू का रस ये डाल लेंगे। इसके बाद एक चम्मच टमाटो का रस और एक चम्मच हम इसमें लेंगे कच्चा दूध। ठीक है, अब हम ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, ये जो होता है आलू और टमाटर होता है उसमें चेहरे से दाग धब्बों को रिमूव करने के गुण होते हैं। इसी के साथ इसमें ये विटामिन सी में इनरिच होता है, जिससे आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन सी कितना जरूरी है। तो ये जो है इसके कारण आलू जो वो फेयर कम्प्लेक्शन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए हमने ये तीनों ही डाले हैं। ये देखिए, ये बस आपके पास बन गया फेस मास्क। अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ऐसा बन गया। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, आपने एक कॉटन बॉल लेनी है, सिंपल कॉटन लेना है, उसको इसमें अच्छे से डिप करना है। डिप करने के बाद रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर अच्छे से इसको ऐसे धीरे धीरे लगा लेना है। ये देखो, ये बहुत ज्यादा थिक नहीं बनेगा लेकिन ये आपके स्किन पर अच्छे से रच जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए आपने इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाना है। लगाने के बाद ऐसे कॉटन से लगा लेना है। लगाने के बाद आपने ओवरनाइट पूरी रात इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह उठकर आप अपना फेस वॉश करोगे तो आप देखेंगे, खुद भी यकीन नहीं करोगे, आपको एक ही रात में सॉफ्ट ग्लोइंग स्पॉटलेस फेयर और ब्राइट स्किन अपनी दिखाई देगी। आप एक बार ये वाला रेमेडी जरूर ट्राई कीजिए और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं कहूंगी इसको रोज ट्राई कीजिए, नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट तीन बार कीजिए। अप्लाई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट्स बताना मत भूलिएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर
फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.